Hello, students. This is your chemistry class, and the topic which we will be doing today is chapter 2. Okay, that is acids, bases, and salts. See, we have divided this chapter into two parts in first part we will be covering acids bases and salts and in part 2 in part 2 we will doing all the compounds which are included your syllabus like washing soda baking soda that's formula is nasco 3 bleaching powder and etc so firstly we are going to start first part in which we can discuss about acids base and salt okay then list of the topic the first topic we are going about we are going to cover in part 1 is about acids acids bases physical property of acid and bases chemical property of acid and bases and ph of its biological importance and टर्स ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस वॉट इज द ए सी ओके देन एक चीज हमने देखी होगी जो भी हम हम किसी भी सब्सटेंस की अगर बात करते हैं तो सबका नेचर पर्टिकुलर सबका फिक्स नेचर होता है ओके okay, जैसे हम अगर हम सपोज अपने फैमिली की ही बात करें फैमिली मेंबर्स की ही बात करते हैं तो कुछ मेंबर्स का जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा वो लविंग होता है कुछ केयरिंग होते हैं कुछ फाइटिंग नेचर्स के होते हैं इसी तरीके जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं एवरी केमिकल सब्सटेंस हैज सम नेचर यानी जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनका पर्टिकुलर कुछ नेचर होता है वो एसिडिक हो सकते हैं वो एसिडिक हो सकते हैं वो बेसिक हो सकते हैं या फिर वो न्यूट्रल हो सकते हैं ओके okay? यानी जितने भी केमिकल सब्सटेंस एवरी केमिकल सब्सटेंसेस हैज सम नेचर आइदर इट इज एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल उनको नेचर के अकॉर्डिंग हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो हम सब्सटेंस के के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज अ एसिड एसिड यानी वो उनका नेचर क्या होगा दैट इज अ एसिडिक नेचर तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द एसिड व्हाट इज द एसिड तो एसिड मीन्स होते हैं दो सब्सटेंस विच हैव सोर इन अ टेस्ट यानी वो सब्सटेंस जो जिनका टेस्ट क्या होगा श्योर होगा खट्टा होगा उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे एसिड कर कहते हैं इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जो एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे ब्लू लिटमस पेपर यानी हमारे पास अगर ब्लू लिटमस पेपर है और उस पे, इस ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम सपोज़ ये ब्लू लिटमस पेपर है इस ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड को पोर कर दें वन और टू ड्रॉप इस पे, ब्लू लिटमस पेपर पे हम अप कर दें तो क्या होगा ये जो ब्लू लेटमस पेपर होगा इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द रेड ठीक है यानी दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट द ब्लू लेटमस पेपर टू रेड इज कॉल्ड अ एसिड अच्छा एक चीज़ और देखा होगा जब भी हम लैब में जाते हैं लैब में हम देखते हैं कि जो हमारा एसिड होता है वो किसी बॉटल में यानी ग्लास के बॉटल में रखते हैं या प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं हम कभी भी इस एसिड को जो है मेटल के कंटेनर में पुट अप नहीं करते हैं इसकी क्या वजह होती है तो जो एसिड्स होते हैं दैट इज़ अ कॉरेसिव इन नेचर वो क्या होते हैं कॉरेसिव इन नेचर होते हैं कॉरेसिव का मतलब क्या होगा अगर सपोज हम इस एसिड को किसी भी एसिड को अगर हम इस किसी भी एसिड को मेटल के कंटेनर में अगर हम पोर कर देते हैं मेटल के कंटेनर में या तो हम रखते हैं तो ये जो एसिड होगा वो मेटल के साथ रिएक्ट कर देगा ठीक है तो इसीलिए किसी भी हम एसिड को मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते यानी दो सब्सटेंस विच हैव है सोर इन अ टेस्ट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द ब्लू टू रेड लेटमस पेपर यानी ब्लू लेटमस पेपर को अगर वो रेड में कन्वर्ट कर देता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ एसिड और एसिड का नेचर क्या होता है दैट इज़ अ कॉरेसिव इन नेचर कॉरेसिव क्यों क्योंकि अगर हम किसी भी एसिड को मेटल के कंटेनर में रखते हैं उस कंडीशन में क्या होगा ये एसिड जो होगा इस मेटल के कंटेनर के साथ रिएक्ट करेगा और इस मेटल के कंटेनर में होल्स हो जाएंगे ओके okay? तो इस वजह से हम क्या करते हैं एसिड को कभी भी हम जो मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे ओके तो ये कुछ डेफिनेशन थी तो हम अगर इसके किसी भी एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होगा सोर होगा दे आर सोर ये क्या करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे अगर हमारे पास सपोज ये ब्लू लिटमस पेपर है और अगर इस पर हम एसिड पोर करते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा रेड में कन्वर्ट कर देगा तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है दैट इज़ अ एसिडिक इन अ नेचर ओके एंड थर्ड पॉइंट दैट इज़ अ कॉरेसिव इन नेचर कॉरेसिव का मतलब कि अगर हम इसे मेटल के कंटेनर में रखते हैं तो ये मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारे घर में हम क्या करते हैं कर्ड हो या फिर लेमन जूस हो उसे हम कभी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं। या फिर हम घर में एग्जांपल ले सकते हैं देखो जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं आयरन के जो वेसल्स होते हैं उसमें अगर हमें स्पिनज कुक करनी है तो हम कहते हैं टोमेटो उसमें नहीं पुटअप करना चाहिए टोमेटो को उसमें नहीं डालना चाहिए वजह क्या होती है टोमेटो में क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता और वो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो मेटल के जो आयरन का कंटेनर होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है देखा होगा जब उसमें हम आयरन के वेसल्स में अगर हम कुक करते हैं कोई भी खट्टी चीज़ किसी भी शोर थी कर्ड को अगर रख देते तो वो मेटल का कंटेनर जितनी दूर वो कर्ड रहता है या जितनी दूर भी वो शोर सब्सटेंस रहता है वो उतनी दूर उस एरिया को क्लीन कर देता है क्लीन कैसे हो गया वजह ये होती है सपोज ये हमारे पास आयरन का वेसल है और इसमें हमने कर्ड रख दिया कुछ समय के बाद देखिए जब इस कर्ट को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये एरिया जो होगा बहुत ज़्यादा इसके कंपैरिज़न में क्लीन हो जाएगा क्यों क्योंकि ये एसिड है कर्ड में एसिड हो और ये लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है इस मेटल के कंटेनर आयरन के वेसल के साथ रिएक्ट कर रहा है ठीक है दैट्स वाई वी कैन से दैट एसिड आर कॉरेसिव इन नेचर ओके तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी अब हम एक और डेफिनेशन देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आया ये तो हमने देख लिया कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एसिड्स आर सोर इन अ टेस्ट दे कन्वर्ट ब्लू टू रेड लिटमस पेपर दे आर कॉरेसिव इन नेचर इस कॉन्सेप्ट के बाद एक साइंटिस्ट थे आर्नियस आरहेनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जितने भी एसिड होते हैं अगर हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं अगर ये हमारा सपोज इस वेसल में वाटर पुटअप है ठीक है अगर हम इसमें एस सी एल ड्राई अमाउंट ऑफ एस सी एल इसमें पुटअप कर रहे हैं तो अगर हम एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो जितने भी एसिड्स होते हैं इट रिलीज द हाइड्रोजन आयन यानी एक्वो सोल्यूशन बनाने पर कोई भी एसिड क्या होता है हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है यानी आर्नीस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो एक्वासोल्यूशन बनाने पर हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे इट मींस सिंपली हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट एट सिट्स आर दो दैट वैन डिजॉल्व इन वाटर गिवन हाइड्रोजन आयन एज फॉर एग्जाम्पल ये हमने कंटेनर ले लिया इसमें हमारा क्या है वाटर है और इसमें हमने क्या किया एस सी एल पुटअप किया तो ये क्या करेगा ये एच प्लस आयन को रिलीज कर देगा इट्स ए प्रूफ हो गया है कि दैट इज अ एसिड। यानी अकॉर्डिंग टू दर आरहीनियेफिनेशन एसिड्स और या ऑलवेज गिविन द हाइड्रोजन आयन इन वाटर एज फॉर एग्जाम्पल एस सी एल है एस सी एल का एक्व सोल्यूशन बनाएंगे तो इट गिव्स अ एस प्लस आयन ठीक है सेल्फ्यूरिक एसिड का भी बनाएंगे इट ऑल्सो गिवस अ एस प्लस आयन यानी ये क्या होगा एसिडिक होगा सेल्फ्यूरिक एसिड acid भी एसिडिक होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड acid भी एसिडिक होगा इसी तरह अगर हम नाइट्रिक एसिड को देखते हैं अगर हम वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन नाइट्रिक दैट इज़ अ एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड इसका हमने अगर एक्वा सॉल्यूशन बनाया दैन इट विल बी कन्वर्टेड इन द एच प्लस आयन एंड एच एन एन ओ थ्री माइनस वन चार्ज ठीक है तो देखो नाइट्रिक एसिड का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं तो ये क्या दे रहा है हमें एच प्लस आयन दे रहा है ओके okay? इसी तरीके हम कार्बोनिक एसिड को देख सकते हैं एंड uh, फॉस्फोरिक एसिड को देख सकते हैं तो ये सब क्या है ये H प्लस आयन को रिलीज़ करते हैं दैट्स व इट इज़ कॉल्ड अ एसिड यानी आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या करता है कि व्हेन वी प्रिपेयर द एक् सॉल्यूशन ऑफ ऑफ एनी एसिड दैट इट सेपरेट द एच प्लस आयन एंड इट इज नोन एज एसिड ठीक है कोई भी कंपाउंड जिसका एक् को बनाने पर अगर वो H प्लस आयन रिलीज करता है तो दैट इज कॉल्ड अ एसिड अब इसी के बिहाव पर यानी जो एसिड्स हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस तो इस लेक्चर में हम बेस तो स्टडी नहीं कर, हम करें हम केवल क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को डिस्कस करेंगे ठीक है तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखते हैं तो हमारे पास हम कई कैटेगरी में इसको मैनी टाइप्स ऑफ में कैटेगराइज कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को फर्स्ट जो थिंग है डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑपटेन यानी हम सोर्स के भी हाफ पर देखते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं तो सोर्स के भी हाँ पे देखेंगे तो एसिड जो होता है इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड एसिड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या क्या होते है? ये क्या होते हैं हैं ये जो सब्सटेंस से मिलेगा जैसे जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलने वाले एसिड होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड इट इज अ वीक एसिड ये इटेबल होते हैं एज फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है दो कंपाउंड विच कंटेन द हाइड्रो कार्बन दैट इज़ कॉल्ड अ ऑर्गेनिक कम्पाउंड और जो उस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कम्पाउंड से जो एसिड मिलते हैं दैट इज कॉल्ड अ ऑर्गेनिक एसिड और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं दैट इज़ अ वीक एसिड ये इटेबल होते हैं एग्जाम्पल जैसे ये ऑरेंज ये फिगर में अगर हम देखेंगे ये ऑरेंज है तो ऑरेंज में क्या होता है सेट्रिक एसिड होता है ठीक है ऐसे लेमन लेमन में भी देखेंगे तो उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है ग्रैप्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें ऑगजेलिक एसिड होता है एप्पल जो होता है उसमें मैलिक एसिड होता है तो इस इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलने वाले जो एसिड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड इट इज अ वीक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है यानी वो एसिड जो मिनरल्स से मिलते हैं दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड और ये स्ट्रोंग एसिड होते हैं जैसे एस फॉर एग्जाम्पल एस सी एल हो गया एच एन ओ थ्री हो गया दैट इज़ अ मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड तो ये सोर्स के आप पर हम देख सकते हैं कि इट विल भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड अ इनऑर्गेनिक एसिड ओके तो अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या है कि दोज एसिड विच आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी वो एसिड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑप्टेंड होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एग्जांपल जैसे टोमेटो एप्पल एंड लेमन अभी जस्ट मैंने पहले बोला कि जो आपका टोमैटो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है एप्पल में मैलिक एसिड एंड लेमन में कौन सा होता है सिट्रिक एसिड यानी वो एसिड uh, जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो एसिड मिलते हैं दैट इज कॉल्ड अ ऑर्गेनिक एसिड इसी तरीके हम इनऑर्गेनिक एसिड देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या हो गया कि आर दो सब्सटेंस या दो एसिड विच आर ऑप्टेन फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन अर्थ दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड जनरली जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे एस सी एल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया नाइट्रिक एसिड हो गया वो क्या होते हैं स्ट्रोंग एसिड होते हैं ये तो हमने सोर्स के भी हाफ पर देख लिया कि एसिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं अब अगर हम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी एसिड इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रांग एसिड एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड अ वीक एसिड फर्स्ट वन इज स्ट्रोंग दैट सेकेंड वन वीक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यानी ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन पे ठीक है मैंने कहा कि अगर किसी भी कंपाउंड को या किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं एंड इट विल बी इट विल बी गिव अ एच प्लस एन दैट इज कॉल्ड अ एसिड इसी एच प्लस यानी एक्वा सोल्यूशन बनाने पर ये एच प्लस आयन के अमाउंट पर ही हम स्ट्रेंथ यानी इसी अमाउंट के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड यानी एक्वा सोल्यूशन बनाया हमने जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मैक्सिमम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसमें कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होगा दैट इज कॉल्ड अ वीक एसिड तो इसको भी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है स्ट्रोंग एसिड इज दैट इन विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन टू हाइड्रोजन आई यानी अगर सपोज हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने वाटर ले लिया इसमें हमने अगर कोई एसिड यहाँ पे पुट अप किया है और ये कम्प्लीटली डिजोल्व होकर के कम्प्लीटली डिसोसिएट डिजोल्व नहीं कहेंगे डिसोसिएट होकर एच प्लस यानी पूरे सपोज हमने 100 परसेंट एस सी एल इसमें डाला और ये 100 का 100 का 100 परसेंट ये डिसोसिएट होकर एच प्लस आयन देता है यानी इसमें कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो गया मैक्सिमम हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉग एसिड एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ये जो अगर हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है यानी कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन उसमें क्या होता है मैक्सिमम होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड ओके वीक एसिड में क्या होगा वीक एसिड में क्या होगा अगर सपोज हमने एक कंटेनर लिया और उसमें हमने कोई वाटर ले लिया और इसमें हमने एसिड पोर कर दिया अब ये क्या होगा जो इस एसिड हमने इसमें डाला ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा ये पार्शियली डिजॉल्व होकर के एस प्लस आयन है सपोज हमने 100 परसेंट एसिड डाला तो हो सकता है जो 100 परसेंट एसिड इस कंटेनर में एक्व सोल्यूशन बनाया है वो केवल उसमें से 10 परसेंट ही डिसोसिएट हो रहा है 10 परसेंट ही डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो जब 10 परसेंट डिसोसिएट होगा उस कंडीशन में कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या हो गया कम हो गया एंड दैट एसिड इज कॉल्ड अ वीक एसिड ठीक है एज फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कार्बोनिक एसिड इसके अलावा हम एसिटिक एसिड बोल सकते हैं अगर हम कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एच टू सी ओ थ्री और अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सी एस थ्री सी डबल ओ एच यानी एक्वा सोल्यूशन बनाने पर वो कैसे डिसोसिएट हो रहा है उसके बिहार पर हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को डिवाइड कर सकते हैं अगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है यानी 100% परसेंट डाला और 100% परसेंट डिसोसिएट होकर डिजॉल्व नहीं कहेंगे डिसोसिएट होकर के वो 100% परसेंट डिसोसिएट होकर एच प्लस आयन देता है तो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अगर हमने 100% परसेंट एसिड का एक्वो सोल्यूशन बनाया और उसमें से केवल उसमें 10% परसेंट ही डिसोसिएट होकर एच प्लस आयन दे रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ वीक एसिड तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ठीक है तो देखो हमारे लैब में अगर तुम लोग तो जाते हो तो लैब में हमें देखते हैं कि एक पे लिखा होता है कंसनट्रेश और दूसरा होता है डायल्यूट एसिड ठीक है तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर पे अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब हो गया सपोज हमने एक कंटेनर लिया हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें हमने क्या किया वाटर का अमाउंट ज़्यादा ये वाटर बहुत ज़्यादा ले लिया है और उसमें सपोज़ ऐसे समझ सकते हो कि हमने टेन लीटर वाटर ले लिया ठीक है टेन लीटर वाटर में हमने क्या किया हाफ लीटर एसिड पुटअप किया तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वाटर क्या है बहुत ज़्यादा है तो दैट इज़ अ डाइल्यूटेड एसिड यानी वो एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है दैट इज कॉल्ड अ डाइल्यूटेड एसिड और वो सपोज़ हमारे पास दूसरा कंटेनर लिया और इसमें हमने क्या किया टेन लीटर हमने वाटर लिया और उसमें हमने नाइन लीटर एसिड पुटअप कर दिया तो इसमें क्या अमाउंट ऑफ वाटर क्या है कम है या हम ऐसे भी इसको अपोजिट कर लेते हैं कि अगर सपोज़ हमने क्या किया यहाँ पे फाइव लीटर वाटर ले लिया और इसमें हमने सिक्स लीटर क्या किया एसिड डाल दिया तो यहाँ पे अमाउंट क्या है लेस है ठीक है तो दैट एसिड इज़ नोन एज कंसनट्रेट एसिड यानी वाटर के भी आप हम देख सकते हैं यानी हम डाइल्यूटेड उसे बोलते हैं इट इज़ द एसिड दैट आर मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट यानी जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है एसिड का अमाउंट कम होता है दैट इज़ कॉल्ड अ डाइल्यूटेड एसिड कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब वो होता है कि जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो कम होगा ठीक है दैट इज़ कॉल्ड अ कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड जो एसिड होता है दैट इज़ अ वेरी हार्मफुल ठीक है अगर ये स्किन पे जल जाए तो वो हो स्किन पे गिर जाए तो वो क्या करे बर्न कर दे होल कर देगा स्किन ठीक है अब देखो हमारे पास एक चीज़ देखो हमने कि ये तो बता दिया कि हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड भी होता है लैब में और कंसनट्रेटेड एसिड भी होता है लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी देखने ही पड़ती है कि अगर हमारे पास तो लैब में दोनों चीज़ें ले अवेलेबल हैं लेकिन हम एसिड का डाइल्यूशन करते कैसे हैं हमारे पास दो कंडीशन अगर कॉमन सोचें तो हमें लगेगा कि लोग एक कंटेनर में हमने क्या किया वाटर ले एसिड में वाटर डालो या वाटर में एसिड मिक्स uh, करो दोनों चीज़ें एक है नहीं दैट इज़ अ रॉन्ग दोनों चीज़ें एक नहीं हैं दोनों में दो अलग अलग चीज़ें जैसे अगर हमें किसी भी एसिड का डाइल्यूशन करना है तो हम एक कंटेनर लेंगे उसमें वाटर रखेंगे दैट इज़ अ वाटर और उसमें हम इस कंटेनर जिसमें हमने वाटर लिया ड्रॉप वाइज कैसे ड्रॉप वाइज जो है एसिड इसमें पोर करेंगे और स्टीयर करते रहेंगे ठीक है दैट इज़ द करेक्ट मैथड ऑफ द डाइल्यूशन अगर हमने इसको अपोजिट कर दिया सपोज हमने इसमें एसिड ले लिया ये एसिड ले लिया और उसमें हम वाटर मिक्स कर रहे हैं अगर इसमें हम वाटर मिक्स कर रहे हैं तो दैट इज़ अ रॉन्ग मैथड होगा क्या जो भी डायल्यूशन कर रहा होगा दैट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उस कंडीशन में जो भी डायल्यूशन कर रहा होगा वो बर्न हो जाएगा क्योंकि हीट बहुत तेज़ी से रिलीज होगी और वो जो भी डायल्यूशन कर रहा होगा उसके ऊपर आ जाएगा एसिड और वो जल जाएगा तो करेक्ट मेथड क्या होगा करेक्ट मेथड ये होगा कि एक कंटेनर लेंगे इसमें हम वाटर रखेंगे और ड्रॉप वाइज ड्रॉप वाइज इसमें एसिड पोर करेंगे और स्टियर कंटिन्यूअसली करेंगे दैट इज़ द करेक्ट मैथड ऑफ द डायल्यूशन सिंपली हम कह सकते हैं कि वन कैन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर विथ कंटिन्यूसली स्टीयरिंग बाई डूइंग सो द हीट रिलीज इज लेस एंड इज कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्ड बाई वाटर सो इट प्रिवेंट द रिएक्शन फ्राम बिकमिंग वॉयिन और अगर अपोजिट कर दें तो वो क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो भी डायल्यूशन कर रहा होगा वो जल जाएगा ओके okay? तो देट इज़ द करेक्ट मैथड ऑफ द डायल्यूशन ठीक है अब कुछ हम देख लेते हैं कि किस चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे घर में जो विनेगर हम यूज करते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है लेमन में सिट्रिक एसिड होता है टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है एप्पल में मैलिक एसिड होता है ये एप्पल है आपका इसमें मैलिक एसिड होता है ग्रैप्स में ऑक्जेलिक एसिड होता है ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है ये चीज़ नहीं होता टार्ट्रिक एसिड नहीं होता ठीक है, है? ग्रैप्स में क्या होगा ग्रैप्स में भी ऑक्जेलिक एसिड होता है जो इमली होती है उसमें जो होता है वो टार्ट्रिक एसिड होता है मिल्क में क्या होता है लैक्टोज होता है लैक्टोज होता है लेकिन जब मिल्क सोर होने लगता है तो इट लैक्टोज इट कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड या फिर हम कर्ड में कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड होता है ठीक है आंट में क्या होता है देखा होगा अगर रेड आंट हमें बाइट करती है स्टिंग करती है तो क्या होता है बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है पेन होने लगता है तो वो क्या करती है फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है जैसे हनी भी होता है हनी भी अगर हमें स्टिंग कर दे तो क्या होता है पेन होता है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है तो वो कौन सा एसिड रिलीज़ करती है दैट इज़ अ फॉर्मिक एसिड तो आज के लेक्चर में बस इतना ही अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है और इंडिकेटर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू